हकीम साहब ने एक सूप की प्लेट रखी और एक एक मीटर लंबा चम्मच उनके हाथ में दे दिया, खा के खाओ। एक घंटे दो घंटे तक सब ने कोशिश की, जाहिर है कि एक मीटर लंबे चम्मच से कैसे खा सकते हैं। बहरहाल एक घंटे के बाद हकीम साहब आए तो चारों भूखे थे। हकीम साहब ने कहा, एक काम करो, अब वही चम्मच से सामने वाले को खिलाओ, सब एक दूसरे को खिलाओ। सब ने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया। हकीम साहब ने कहा, जिंदगी के दस्तरखान पर जब हम अपना ही पेट भरने का सोचते हैं तो भूखे रहेंगे, जहां हमने दूसरों का पेट भरने का सोचा तो सबका पेट भर जाएगा। देने वाले को हमेशा फायदा होता है लेने वाले से। अपनी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है।